नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी के लेखक हैं मुरारी झा और चित्रकार सुविधा मिस्त्री। इस कहानी का नाम है बुलबुलों का राज। ममिया बहुत खुश थी। वह पहली बार तालाब पर नहाने जा रही थी। वह पानी में उतरने से डर रही थी, पर सबको पानी में देख वह भी कूद पड़ी। सब पानी में उछल कूद करने लगे। तभी ममिया ने कुछ बुलबुले देखे। वे बुड़ 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 कर रहे थे। पहले तो वह कुछ घबराई, पर थोड़ी देर बाद उनसे खेलने लगी। वह जानना चाहती थी ये बनते कैसे हैं। उसने पापा से पूछा, पर पापा ने कुछ नहीं बताया। फिर माँ से पूछा, माँ ने भी कुछ नहीं बताया। वह परेशान हो गई। उसने ठान लिया कि अब वह खुद ही बुलबुले बनाकर रहेगी। उसने पूंछ को उठा उठा कर पानी में पटका, फूंक मारी, पर बुलबुले नहीं बने। एक दिन उसका पेट खराब था। वह नहाने के लिए पानी में गई। पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। पेट की गैस निकली फुस। जैसे ही गैस निकली, पानी में बुलबुले बने, बुड़ बुड़ बुड़। अब उसे बुलबुले बनाने का राज पता चल गया था। ममिया बहुत खुश हुई। अब वह रोज नहाते समय बुलबुले बनाती है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? आओ अब इस कहानी पे थोड़ी बातचीत हो जाए। इस चित्र को दोबारा देखो। शुरुआत में ममिया पानी में जाने से क्यों डर रही थी? अच्छा, अब इस चित्र को देखो। क्या तुम भी कभी तालाब में तैरे हो? तब तुमने क्या क्या किया था?